Now please. Sir, hello student. I hope you are well. Now we study of lesson 1 of history. और आप मुझे पता है हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, और आप जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हमारा पास्ट को जानते हैं, जो हमारा पास्ट था। अगर हम भारत को जानना चाहते हैं, है ना, कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो हमारे पास कुछ हमको जरूरत है, जैसे when, where and how. डियर स्टूडेंट, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को जानेंगे तो हमें उस हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे को कुछ डेट्स की आवश्यकता होगी, कई हमारे को सोर्स चाहिए होंगे। अगर हम हिस्ट्री को जाने और हम भारत को जानने की कोशिश करें कि भारत का इतिहास क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड है उसको अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड करा है। आपको पता है कि हम कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? एशिया कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। और ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, वो इंडियन कॉन्टिनेंट लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, जो हमारा एशिया है उसका लार्ज पार्ट है। और अब हम बाद में जानेंगे कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम अलग अलग समय समय पर पड़ते गए। हम हमारे देश को आज किस नाम से जानते हैं? भारत। अगर हम इसका इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारतवर्ष कुछ समय तक इसको कौन से नाम से जाना जाता था? सेवन रिवर्स, कंट्री ऑफ सेवन रिवर्स, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। कि अगर हम हिस्ट्री की हमारी जड़ों में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पर आर्यंस थे, और उन आर्यंस ने जब यहाँ पर भारतवर्ष में आए, और भारतवर्ष में आने के बाद यहाँ पर एक जो सबसे पहले उनकी नदी, जो हम जिसको सिंधु या इंडस कहते हैं, और उन्होंने इस भारत में नदियाँ देखी और इसका नाम रखा उन्होंने लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, सप्त संध्या, सप्त सप्त संधाव। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ, और हम यहां देखते हैं हिमालय टू इंडियन ओशियन, और वेस्ट टू ईस्ट,
और वेस्ट टू ईस्ट कहां से कहां तक है? अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वेस्ट टू ईस्ट, कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाय द ज्योग्राफिकली यूनिट देखें, तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं वेस्ट नॉर्थ में क्या है हमारे हिमालय पर्वत, और वहां से प्रारंभ होकर कहां तक फैला हुआ है इंडियन ओशन। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाए तो म्यांमार तक, और हम इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम कौन सी चीजों को देखते हैं? बाय द फिजिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटीज, फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, कि हमारा जो भारत देश है वो भौगोलिक स्थिति में अलग अलग है, बटा हुआ है। एक जगह हम जो नॉर्थ को देखते हैं वहां पर कुछ अलग चीज की खेती होती है, और दक्षिण में कुछ अलग फसलें उगाई जाती है। हमारे यहाँ की ये क्या है? फिजिकल डाइवर्सिटीज। इसी तरह हम भारत में देखते हैं तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग यहाँ पर सीजन्स है। ये है डाइवर्सिटी। और ये जो डाइवर्सिटीज थी उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ, कौन सा नाम हुआ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। एशिया में हम कौन है? भारतीय उपमहाद्वीप। और जैसा कि मैंने आपको नाम के संदर्भ में बताया कि जो यहां पर आर्यंस आए तो उन आर्यंस ने इस भारत का नाम क्या रखा था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। आज हम भारत को जो मैप में देखते हैं ज्योग्राफिकली या फिजिकली, हमारे जो मैप है पुराने मैप के अकॉर्डिंग भारत एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, और वह कहां से प्रारंभ था? अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक इसकी सीमाएं बहुत बड़ी थी। आज भारत के कई हम देखते हैं नेबरिंग कंट्री है, भारत के पड़ोसी देश है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में म्यांमार, दक्षिण में हमारा जो पड़ोसी देश है वह है श्रीलंका। भारत के नेबरिंग कंट्री, भारत की नेबरिंग कंट्री। कि भारत की जो पड़ोसी देश है, हम भारत की नेबरिंग कंट्री देखते हैं आज, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के समय ये सब एक थे, और आर्यंस के अनुसार उन्होंने इसको लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, वही
जो दूसरा नाम उन्होंने विंध्याचल माउंटेन के अकॉर्डिंग दिया था वो क्या था, आर्यवर्त। और जो इसका दक्षिण भाग था उस दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण पंथ। और जैसा कि हमें पता है कि जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कई ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, और जो हमारे चारों वेद हैं उन चारों वेदों के अकॉर्डिंग जो ऋग्वेद है वह हमें बताता है कि भारत का नाम जो था अलग अलग समय पर आर्यंस के अकॉर्डिंग और बाद में इसका नाम भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो चारों हमारे अलग अलग वेद हैं और उनमें मुख्य है वायु पुराण, और वायु पुराण के अनुसार जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट जो है वो क्या कहलाया, भारत। कि जो राजा थे ऋषभ उनके बेटे का नाम भरत और उससे इसका नाम पड़ा भारत, जो वायु पुराण है उसके अकॉर्डिंग। और जो आर्यंस जो थे उन्होंने इसको बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना गया। बाद में यहाँ पर कई पड़ोसी राष्ट्र के अलग अलग सेनाओं ने आक्रमण करा भारत को, कई विदेशियों ने आक्रमण करा समय समय पर और उन्होंने यहाँ पर लूट करी। और उन जो अलग अलग लोग आए उसमें पारसी थे, और पारसियों ने यहाँ की बहने वाली जो नदी थी सिंधु उसके अकॉर्डिंग वो किस नाम से पुकारते थे, हिंदू, और बाद में इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। जो ग्रीक्स थे, यूनान, जो हम अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो यूनान के भी कुछ लोग यहाँ पर थे राजा, और उन्होंने इसका नाम जो भारत की नदी थी इंडस, उस इंडस नदी के अकॉर्डिंग वही हमारा नाम पड़ा इंडिया। जो यूनान के राजा थे मौर्य काल में यहाँ पर थे और वह क्या करना है थे यहाँ पर व्यापार, बाद में वो रिलेशन अलग अलग चलते गए। और जो ग्रीक्स थे उस ग्रीक्स ने यहाँ की जो नदी थी इंडस उसके अकॉर्डिंग भारत का एक नया नाम पुकारा और वो नाम क्या था, इंडिया। उससे हमारे भारत का नाम एक नया पड़ा इंडिया। और यहाँ पर अलग अलग फॉरेन कंट्रीज भी आती गई और उन्होंने कभी इसका नाम भारत और कभी इंडिया के नाम से ही ज्यादा प्रचलित हुआ। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ें तो भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि भारत में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, और अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर कुछ राजाओं ने एक छत्र भारत को एक बनाया। क्या हम देखते हैं अलग अलग कई राजा हुए और उसमें प्रमुख नाम जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने भारत को अखंड भारत बनाया, सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि हम जानते हैं कि उनके गुरु थे और उनके गुरु का नाम था चाणक्य, और उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा एक अखंड भारत की स्थापना की, और वह अखंड भारत आज की परिस्थिति जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था, और उन्होंने एक पूरे गुप्त एम्पायर जो 300 टू 450 एडी तक एक्सटेंड हुआ, और वे कहां से कहां तक थे, नर्मदा के से लेकर साउथ, गुजरात से लेकर बंगाल, द होल सब कॉन्टिनेंट वाज यूनिफाइड। बाद में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब यहां पर मुगल काल कि जो मुगल राजा था अकबर और उस
उसका काल माना जाता है 1556 टू 1605 एडी, और वह काल ब्रिटिश काल से पूर्व तक का था। और उन्होंने भी, अकबर ने भी म्यांमार श्रीलंका के भी कुछ पार्ट पर राज्य किया। अब जो हमारी हिस्ट्री है, हम आगे जब पढ़ेंगे कि जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो हमको सबसे ज्यादा कुछ नॉलेज देती है। हम उनको देखेंगे जो कुछ बुक्स हैं, है ना, इपिक्स है, पुराण ग्रंथ, सूफी ग्रंथ और कुछ पॉइंट्स। हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।